दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट शेयर्स के बारे में और साथ ही साथ आईटी सेक्टर को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो यदि आपने TCS, Infosys, Wipro Limited या फिर HCL Tech के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसी के साथ में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि EPS क्या होता है और EPS को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो हर एक वीडियो में मैं आपके साथ हर एक इंपॉर्टेंट रेशियो शेयर कर रहा हूं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन पी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसे जानने के पहले यहां पर हम जो अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड उसे जान लेते हैं। तो सबसे पहली अपडेट TTML की तरफ से निकल कर आ रही है। TTML को भी यहां पर मिड कैप की कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता है। अभी TTML का शेयर हमें स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिलता है, लेकिन अब इसे स्मॉल कैप कैटेगरी से बाहर निकाल कर मिड कैप कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट हमें यह निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है। जो म्यूचुअल फंड्स की सेमी एनुअल रिक्लासिफिकेशन रिपोर्ट आने वाली है, जिसमें अडानी वेलमार और अडानी पावर का शेयर हमें लार्ज कैप के अंदर इंक्लूड होते हुए देखने को मिल रहा है, वहीं TTML का शेयर हमें मिड कैप के अंदर इंक्लूड होते हुए देखने को मिल सकता है। TTML के साथ में KPR मिल, टैनला प्लेटफॉर्म, पूना वाला फिनकॉर्प और चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, साथ ही साथ फोनिक्स मिल्स, एसकेएफ इंडिया और शीला फॉर्म का भी नाम हमें देखने को मिल रहा है। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया सेमी एनुअल रिक्लासिफिकेशन की जो रिपोर्ट यहां पर आने वाली है वो अल्टीमेटली इन सभी स्टॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने TTML के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे 210 रुपये का जो इसका इम्पोर्टेंट 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट बन रहा है उस लेवल को आप ध्यान में रख सकते हैं और 100 रुपीज़ के स्टॉप लॉस को आप यहाँ पर कैरी करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं टाटा पावर और सुजलॉन एनर्जी को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में यहां पर एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है और जिस प्रकार से पावर क्राइसिस हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से गर्मी यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, पिछले 122 सालों के रिकॉर्ड को यहां पर गर्मी ने ब्रेकआउट कर दिया है। और एक जाने माने एक्सपर्ट्स का यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया है कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम है वो बिल्कुल भी उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट क्या सुजलॉन एनर्जी जैसे स्टॉक्स के ऊपर, क्या टाटा पावर जैसे स्टॉक्स के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको उस रिपोर्ट की तरफ लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं अप्रैल पावर क्राइसिस वुड नॉट हैव हैपन इफ इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी गोल वॉज ऑन ट्रैक। तो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि जो इंडिया का गोल है रिन्यूएबल एनर्जी का वो हमें ट्रैक पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स हमें अप्रैल के मंथ में लगभग 8 डेज यानी कि 8 दिन यहाँ पर कोल की शॉर्टेज देखने को मिली है, जिससे ओवरऑल महाराष्ट्र की बात कर लें या फिर झारखंड की बात कर लें, सभी जगह हमें पावर के क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं मार्च दिस ईयर वॉज ऑल्सो द हॉटेस्ट इन 122 ईयर्स, यानी कि पिछले 122 सालों में सबसे ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिल रही है और इसी कारण से पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इंडिया का जो गोल है यानी कि 175 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी का गोल है इंडिया का, अब कहीं ना कहीं वो ट्रैक से हमें हटते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में जो इंडिया का गोल था कि 2022 अप्रैल तक 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को इंडिया अचीव कर लेगा, लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सोलर एंड विंड पावर कैपेसिटी की तो 95 गीगावाट की है, यानी कि ऑलमोस्ट जो टारगेट स्लिप हुआ है वो लगभग 51 गीगावाट से हुआ है। तो ये जो टारगेट है ये ट्रैक पर नहीं होने के कारण क्या इसका इंपैक्ट हमें टाटा पावर और यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी शेयर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस से यही दोनों स्टॉक्स आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। विंड पावर की बात करें तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी सुजलॉन एनर्जी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट से आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और टाटा पावर को तो ऑलरेडी मैं आपके साथ कवर करते आ ही रहा हूं, जहां पर मैंने आपको बताया भी है कि यदि आप यहां खरीदारी करना चाहते हैं तो इस शेयर्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर्स को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट हमें 40-50% डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जेपी मॉर्गन की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो आईटी सेक्टर्स के लिए और ज्यादा शॉकिंग है। यदि आपने आईटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अब अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए, क्योंकि ये शेयर्स अभी और ज्यादा गिरने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जेपी मॉर्गन की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है। जेपी मॉर्गन ने आईटी सेक्टर्स को अंडर वेट की रेटिंग दी है न्यूट्रल से, जिसमें मोस्टली कंपनीज TCS, HCL Tech, Wipro, L&T और इंफोसिस जैसे शेयर्स भी इंक्लूड है। उसके पीछे का रीजन बताया है राइजिंग इन मार्जिन, जी हां दोस्तों। और इसी के साथ में जो कंपनी का EBIT है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस जो है, वो भी हमें डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का रीजन है इन्फ्लेशन और साथ ही साथ रिवर्जन। तो यहां पर अगर आपने आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो लगभग जेपी मॉर्गन ने इन आईटी स्टॉक्स के अंदर लगभग 10-20% तक अपने जो टारगेट थे उन्हें कट किया है। यानी कि सबसे पहले अगर विप्रो की बात करें तो जहां पर विप्रो का टारगेट पहले जेपी मॉर्गन ने ₹520 का दिया था, अब उसे रिड्यूस करके ₹430 का कर दिया है। वहीं अगर लार्सन एंड टोब्रो की बात करें तो L&T इन्फोटेक के अंदर भी जो टारगेट ₹4300 के दिए थे उसे घटाकर ₹3600 कर दिए हैं। TCS की बात करें तो ₹3900 से टारगेट प्राइस को घटाकर ₹3100 कर दिया गया है। यानी कि ओवरऑल यहां पर आईटी सेक्टर के अंदर और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो नेस्डेक के अंदर भी हमें स्टेबिलिटी आते हुए देखने को नहीं मिल रही है, जहां डे आफ्टर टुमारो हमें अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन टुमारो की बात करें तो अगेन नेस्डेक के अंदर हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, जिस कारण से आईटी सेक्टर के अंदर स्टेबिलिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर आपने आईटी सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अब SIP के बारे में सोचिए और आने वाले 5 साल के बारे में सोचिए, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अभी भी आपको आईटी सेक्टर प्रेशर में रहते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ राजीव चंद्रशेखर, जो कि यहाँ पर मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी की तरफ से, उनकी तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है कि आईटी सेक्टर आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक लगभग 1 करोड़ जॉब्स को मार्केट में लाने वाला है। यानी कि ओवरऑल इस सेक्टर में फ्यूचर तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी है। यदि आपने इंफोसिस जैसे, TCS जैसे, विप्रो जैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स के अंदर खरीदारी भी कर रखी है, अभी अगर आपका पोर्टफोलियो डाउनवर्ड में भी है, आपको पैनिक नहीं लेना है, आपको पोजीशंस को होल्ड करना है। ये एक साइकिल है, अगेन आपको यहाँ पर अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उस शेयर के बारे में जहाँ पर आपको स्प्लिट देखने को मिलने वाला है। कंपनी का नाम है HLE ग्लेस्कॉट लिमिटेड। ₹3600 का ये शेयर आपको ₹360 पर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन डेट आपको याद रखनी है 6 जून 2022, जहां कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट होने वाली है और इसी बोर्ड मीटिंग्स के अंदर कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ में स्प्लिट को लेकर भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो अब आ जाते हैं हम हमारे फाइनल टॉपिक के ऊपर, जहां पर मैं आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जहां पर अगर मैं इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं आपको, तो यहां पर जो अडानी वेलमार की करंट प्राइस है, यानी कि ₹700 पर शेयर आपको अभी आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, और उसी को अगर आप डिवाइड करेंगे इसके अर्निंग पर शेयर रेशियो से, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यानी कि ₹6.22 से, तो यहां पर जो प्राइस टू अर्निंग जो पी रेशियो इसका निकल कर आएगा, जो यहां पर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आएगा, वो ऑलमोस्ट 100 आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।